बिहार में हर रोज तापमान का पारा गिरते जा रहा है, लिहाजा चौराहों पर अलाव का सहारा लेते लोग आपको नजर आ ही जाएंगे। राजधानी पटना की बात करें तो पटना का तापमान 7 डिग्री तक गिर चुका है। चलिए हम आपको आज मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं। तापमान में आई गिरावट से मुजफ्फरपुर में एक बार फिर सर्दी बढ़ गई है और शीतलहर के चपेट में पूरा जिला आ चुका है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के स्टेशन इंचार्ज हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कितना तापमान है मिनिमम? कल का तो 8 है, 8 डिग्री सेल्सियस। और अधिकतम? अधिकतम वही 14 के आसपास है। तो इतनी गिरावट इधर कितने दिनों पर आई? एक आध साल बाद ही है, एक साल के बाद है। लास्ट ईयर उतना तो था नहीं। स्टेशन इंचार्ज अविनाश जी थे जिन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में सबसे ज्यादा सर्दी का दिन आज ही है। हमारे साथ जिला जनसंपर्क प्राधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि जिला में बढ़े सर्दी को लेकर क्या तैयारी की गई है, व्यवस्था की गई है। सर देखिए, सभी अंचल अधिकारी को डायरेक्शन दिया गया है अलाव जलाने का, नगर निगम को भी डायरेक्शन दिया गया है। तो अलाव महत्वपूर्ण चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर जलाए जा रहे हैं। साथ ही जो विभाग हैं जैसे SDO के स्तर से और सामाजिक सुरक्षा के स्तर से कंबल वितरण का काम पूर्व में किया गया था, पुनः किया जा रहा है। और जो तापमान घटा हुआ है इसको देखते हुए हम लोग फिर से इसका अनुसरण करते हैं और इस पर सतत निगरानी रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। आप थे जिला जनसंपर्क प्राधिकारी, और मुजफ्फरपुर में जिस तरह सर्दी बढ़ गई है, एक बार फिर लोग अलाव के पास दिखने लगे हैं और शहरी क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं कि लोग अलाव सेक रहे हैं और सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह बाजारों में लोग अलाव जलाए हुए हैं और अचानक बढ़ी सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार हैं जो अलाव जलाए हुए हैं और सर्दी से बच रहे हैं। कितना राहत मिल रहा है? राहत लग रहा है, बहुत राहत है गर्मी से, अभी आग से बहुत राहत है, ठंडा तो बहुत बढ़ गया है। क्या बताए, व्यवस्था क्या है? हम लोग तो बस चुन चान के लाए हैं, गरीब आदमी है, पेड़ उड़ में से तोड़ के ला के अपना जान बचा रहे हैं। सरकार तो कुछ व्यवस्था कर नहीं रहा है, हम ही लोग कुछ इधर उधर से ला के व्यवस्था कर रहे हैं। अलाव जला के अपने भी गर्मी ले रहे हैं और उसके बाद पब्लिकों को भी दे रहे हैं। अपने स्तर से अलाव की व्यवस्था करके दुकानदार जो है बचने का प्रयास कर रहे हैं, और यह स्थिति कई एक जगह पर है जहां पर दुकानदार जो है अलाव जलाए हुए हैं और सर्दी से बचने का प्रयास कर। दिन में भी सड़कों पर गाड़ियों का जो है हेडलाइट जला करके लोग चल रहे हैं, क्योंकि धुंध है और धूप नहीं निकला है, इसको लेकर के कुहासा का चादर जो है आसमान में घिरा हुआ है। बाजारों की यदि हम बात करें तो कई एक जगह जहाँ पर भी ज्यादा दुकान है वहाँ पर अलाव दुकानदार जलाए हुए हैं और सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ठंडा बहुत काफी, जब मर जाओ, हम सब गरीब आदमी थी, कोई उपाय नहीं, सर लकड़ी चुन के कहीं कहीं से व्यवस्था करके दो चार आदमी मिल के हमसे आग तपे छी सर, न तो कपड़ा बस्तर बिना कम्बल बिना लोग गरीब के बहुत तकलीफ हो रहा है। व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ, जो है सो आदमी ठंड में मर रहा है, व्यवस्था क्या चीज करेगा, व्यवस्था तो कुछ है नहीं। प्रशासन की ओर से व्यवस्था वगैरह नहीं? प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, यहाँ सब लोग अपना ही मिल रहा है, जो जला रहा है ताप रहा है, नहीं तो कोई प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो ये आग फूके हुए समझिए अपना व्यवस्था है, प्रशासन के तरफ से या नगर निगम के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ये हम लोग खुद अपने से ये आग फूके आग ताप रहे हैं। आप बताइए क्या व्यवस्था कुछ की? कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं मिलता है, हम लोग अपना व्यवस्था करके आग फूक रहे हैं, ताप रहे हैं, ठंडा से बच रहे हैं। एक और सरकारी विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए अलाव का इंतजाम हो रहा है, कंबल भी बांटा गया है, लेकिन वही आम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अलाव का इंतजाम तो खुद ही किया है, सरकार की ओर से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग एक दिन के दाना पानी के लिए रात दिन जद्दोजहद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ठंड से बचना कितना मुश्किल होता है। सरकार को चाहिए कि ठंड से बचने के लिए वो जमीनी तौर पर जरूरतमंदों तक अलाव का बंदोबस्त और कंबल जरूर पहुंचाएं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।